नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल 2023 का शेड्यूल आ चुका है और 31 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले सभी टीमें अपनी तैयारियां कर रही हैं और आईपीएल 2023 कई खिलाड़ियों का आखिरी आईपीएल भी होगा, जिसमें सबसे बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी का हो सकता है। जी हां, लगातार कयास लगाया जा रहा है कि चेपॉक में महेंद्र सिंह धोनी जब उतरेंगे तो वो संन्यास ले लेंगे और आईपीएल 2023 में जब तक चेन्नई का सफर चलेगा तब तक महेंद्र सिंह धोनी का भी सफर आईपीएल में चलेगा। जहां से चेन्नई का सफर समाप्त होगा वहां से महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले लेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन होगा चेन्नई सुपर किंग्स का अगला कप्तान। दरअसल पिछले साल आईपीएल में रविंद्र जडेजा को धोनी ने कप्तान बनाया था, लेकिन जडेजा 8 मुकाबलों बाद ही हार मान गए थे, जिसके बाद धोनी को दोबारा कप्तानी करनी पड़ी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अब चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी के बाद कप्तान किसे बनाएगी। तो इसको लेकर अब तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कौन संभालेगा, इसको लेकर अब भारत के पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बड़ा नाम बताया है। हालांकि अगर आप सोच रहे हो कि बेन स्टोक्स या ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का कप्तान बनाया जाएगा, दरअसल पार्थिव पटेल जो कह रहे हैं उसके हिसाब से इंग्लैंड का ही एक और शानदार ऑलराउंडर प्लेयर धोनी के बाद उनका उत्तराधिकारी चेन्नई में हो सकता है। आपको बता दें कि पार्थिव पटेल ने कहा है कि मोइन अली को चेन्नई सुपर किंग्स अपना अगला कप्तान बना सकती है और मोइन अली को छोटे फॉर्मेट का बहुत अनुभव है और वो टीम को शानदार तरीके से लीड कर सकते हैं। पार्थिव पटेल ने अपने बयान में कहा, एक नाम है जिसे मैं बताना चाहूंगा, वह है मोइन अली। हमें यह देखना होगा कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी के लिए तैयार हैं। और यदि आप बात कर रहे हैं बेन स्टोक्स और उनकी कप्तानी के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं आईपीएल के तुरंत बाद एशेज शुरू होने जा रहा है और इंग्लैंड बोर्ड उन्हें कितना खेलने की अनुमति देगा यह तो देखने वाली बात होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पार्थिव पटेल ने बड़ा नाम बताया है और मोइन अली को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की है। बेन स्टोक्स को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें कप्तान बनाया जा सकता था, लेकिन आईपीएल के तुरंत बाद एशेज सीरीज खेली जानी है। ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा बेन स्टोक्स को खेलने के लिए आईपीएल में तरजीह नहीं देने देगा, तो ऐसे में मोइन अली ही सबसे बेहतर विकल्प होंगे। वहीं मोइन अली पर बात करते हुए पार्थिव पटेल ने कहा कि मोइन के पक्ष में एक सकारात्मक बात यह है कि वो पूरे आईपीएल 2023 के लिए उपलब्ध होंगे, क्योंकि वो टेस्ट नहीं खेलते, इसीलिए उन्हें ऐसे सीरीज के लिए नहीं जाना होगा। और मोइन अली उस प्रकार का खिलाड़ी है जो टेस्ट मैच नहीं खेलते और जॉस बटलर के चोटिल होने या अनुबंध होने पर इंग्लैंड की कप्तानी करते हैं, इसीलिए वो एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि सीएसके और मुंबई हमेशा लंबे विकल्पों के बारे में सोचते हैं। तो ये बड़ा बयान है पार्थिव पटेल की तरफ से। देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन कैसा रहता है और महेंद्र सिंह धोनी अपने संन्यास का ऐलान करते हैं या फिर नहीं। बहरहाल धोनी के बाद आप किसे सीएसके का कप्तान देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।